हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर की एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 के अंदर हमारे को क्या पढ़ना है, पहले हमें बोर्ड पर लिख दिया है मैंने, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं आप लोगों को परफॉर्म करके बता दूँगा। इस एक्टिविटी में एक्चुअली हमारे को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझना है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि जिसके अंदर हीट देके हम क्या करेंगे, एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो कंपाउंड यहाँ पे लिया है वो है लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 2। तो ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है जो कि व्हाइट कलर का है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने इसको ले लिया, व्हाइट कलर का हमारा लेड नाइट्रेट है। अब मैं इसको हीट करूंगा, जैसे ही मैं हीट करूंगा तो ये टूटेगा और टूट करके तीन कंपाउंड्स बनाएगा, यानी कि तीन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। एक बनाएगा लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होगा, अभी मैं आप लोगों को परफॉर्म करके बताऊंगा। साथ में गैसेस निकलेगी इसके अंदर, एक निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और एक निकलेगी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की पहचान आप इजीली कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो इसके अंदर क्या करेगी, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। ये ब्राउन फ्यूम से किसकी पहचान होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पहचान होती है। ये थोड़ी हार्मफुल गैस होती है, तो इसलिए हमारे को थोड़ा सा जब भी कभी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना हो तो रूम्स वगैरह को हमेशा ओपन रखना है, गेट वगैरह को, और या फिर आउटसाइड द रूम हमारे को इसको परफॉर्म करना है। इसके अलावा कई बार इसको सेकेंड चैप्टर से रिलेट करके भी एक सवाल पूछ लेता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इसका नेचर किस टाइप का होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर की जो गैस है तो वो क्या करेगी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगी। इसके लिए मैंने ब्लू लिटमस पेपर भी ले लिया साथ में, इसको मैं आप लोगों को परफॉर्म करके बताने वाला हूँ। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ हीट देके ये क्या हम काम कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो चलिए अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बर्नर को जला लेता हूँ। अब मैं इसको हीट करता हूँ, इसको हमेशा थोड़ा सा नोज से दूर ही रखना है हमारे को, हार्मफुल गैस है। आप लोगों को थोड़ी थोड़ी क्रेक साउंड सुनाई दे रही होगी, यहाँ पे देखो, इसका मतलब है यहाँ अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अभी जैसे ही ये थोड़ा फास्ट होगा तो इसके अंदर ब्राउन कलर की फ्यूम्स भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर ब्राउन कलर की फ्यूम से स्टार्ट हो गई है निकलना, और ये ब्राउन कलर की फ्यूम ही हमारी क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और अब इसको हम लिटमस से भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये एसिडिक नेचर की है या नहीं है। तो इसके माउथ में मैं लिटमस पेपर लेके आता हूँ जो कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर था। जैसे ही मैं इसको इसके माउथ पर लेके आता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, रेड में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे पहले की सभी एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए, और इसके बाद की सभी एक्टिविटीज़ को भी मैं आगे अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। जितने भी आपके साइंस के चैप्टर में सारी एक्टिविटीज़ है वन बाई वन मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। आप रेगुलरली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।